नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, हमने बहुत सारे वीडियोस में अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में बात किया था कि किस तरीके से आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का पोल्यूशन सर्टिफिकेशन होता है और कैसे आप इसको बनवा सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है पोल्यूशन का, ये हमारे कोलकाता से है और कोलकाता में जो ऑफिस है, वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, परिवेश भवन 10A ब्लॉक LA सेक्टर 3, विधाननगर, सॉल्ट लेक 98। सॉल्ट लेक में इसका ऑफिस है पोल्यूशन का, ये हेड ऑफिस है पूरे बंगाल का। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी डेट नंबर दिया रहता है, यहाँ ये जोन दिया रहता है, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, क्या है, तो यहाँ पे इसका डिवीजन दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे डेट दिया रहता है कि कब ये इशू हुआ है। तो देखिए, ये 15/10/2020 को इशू है। तो वेस्ट बंगाल पोल्यूशन बोर्ड हैज़ ग्रांटेड इट कंसर्न टू इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 25 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट 1998, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन। ये वाटर का प्लांट है जो 20 लीटर और 1 लीटर का जो वाटर निकलता है उसको निकाल के ये लोग प्रोसेसिंग करके देते हैं। तो हर एक के लिए ही ऐसा सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो जैसे देखिए, ये कंपनी का नाम से ही निकलता है, जैसे मंजू मंजू प्योर वाटर, प्रोप्राइटर SK अनरुल इस्लाम, क्या नाम से है ये। एड्रेस देखिए, विलेज पाथबेरिया, पोस्ट दुर्जोय नगर, दुर्गा चौक, प्लॉट नंबर 17/1525, GL नंबर 113, मऊजा पाटबारी, दुर्गा चौक। दुर्गा चौक जो है पूर्वी मेदिनीपुर में हल्दिया के पास पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए, पार्टी का इसमें नाम रहता है, प्रोप्राइटर का नाम रहता है, अगर कंपनी का नाम होगा तो कंपनी का नाम होगा, अगर इंडिविजुअल नहीं होगा तो पार्टनरशिप, या मान लीजिए आपका लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड हो तो कंपनी का एड्रेस रहता है, कहाँ पे किस काम के लिए दिया गया है वो रहता है। देखिए, जैसे ये है इंडस्ट्रियल प्लांट एंड स्टोर इंस्टॉल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी निकाल के बेचने के लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, उसको रिफाइन करके ये जो लाइसेंस है ये दिया गया है। और इस तरीके से देखिए, इसका डेट भी दिया रहता है कि MC है, वैलिड कब तक है। जैसे देखिए, 5 साल के लिए है ये, जैसे 14/10/2025 20 चल रहा है तो ये 5 साल के लिए, 25 तक 5 साल के लिए ये होता है। द एप्लीकेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लिक्विड इक्विपमेंट गैस इमर्सन, यानी जो टर्म्स कंडीशन दिया रहता है कि पार्टी किस तरीके से अपना पानी में लिक्विड और इमर्सन ये सब मिला के अपना पैकेजिंग बनाएगा। द एप्लीकेंट शैल इंश्योर मेंटेन द क्वालिटी लिक्विड डिस्चार्ज एंड एयर इमिशन विद इन स्टेटरी, यानी जो पानी निकालेंगे तो जो इनसे मान लीजिए आसपास के लोगों को अगर कुछ खतरा हो या पानी निकालने में कुछ प्रोसेस सिस्टम हो तो उनको इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। एप्लीकेंट शुड अडॉप्ट द सुटेबल मेजर ट्रीट लिक्विड टू रिड्यूशल पॉल्यूशन लोड। ये सारा टर्म्स कंडीशन है जो इस तरीके से आपको दिया रहता है। द ब्रिंग एनी चेंज इन इंडस्ट्रियल प्लांट, अगर कोई प्लान में चेंज हो तो आपको बोर्ड को खबर देना पड़ेगा। द एप्लीकेंट मेंटेन गुड हाउस कीपिंग, अच्छा से आपको रख रखाव देखभाल करना पड़ेगा। टू टेक द मेजर एक्वाइजिशन, द एप्लीकेंट शुड ब्रिंग एटलीस्ट 33% ऑफ अवेलेबल ओपन लैंड, यानी देखिए, जब भी आप बनाइएगा या वाटर पोल्यूशन के लिए आप जब काम कीजिएगा तो ये सब पॉइंट है जो आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप फैक्ट्री बनाइएगा तो फैक्ट्री में 33% जो जगह है आपको ओपन लैंड के रूप में आपको रखना पड़ेगा। ये मेंशन है, लगभग हर एक जगह इसी टाइप का होता है। द एप्लीकेंट श्योर द इमर्शन, मतलब सारा एक्टिविटीज जो है आपको देखना ही पड़ेगा। और इस तरीके से द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड विद इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस स्वीप बी डिस्पोज साइंटिफिकली। देखिए, ये भी एक तरीका होता है कि जो भी आपके यहाँ से सॉलिड, यानी मान के ये कार्टून का कुछ निकलेगा, पैकेट निकलेगा, प्लास्टिक निकलेगा, तो उसका भी पोल्यूशन आपको नहीं फैलाना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, आपको साइंटिफिक तरीके से उसको डिस्पोज करना है ताकि वो डिस्पोज हो जाए। इन केस ऑफ द यूजिंग डीजल जनरेटर नॉर्म्स फिक्स बाय द CPCB, अगर आप मान लीजिए डीजल जनरेटर बैठाते हैं अपने यहाँ पे तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो नॉर्म्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो भी अलग से होता है। और यहाँ पे देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया,
यह है स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट। अगर बहुत सारे सर्टिफिकेट है जिसमें मान लीजिए ईपीसीबी लगता है, जिस ये देखिए ईपीसीबी, तो सेंट्रल का भी इसके प्लस लगता है। जैसे अगर आप इसी को लेके आप ई वेस्ट का काम करना चाहें तो उसमें आपको ये लाइसेंस प्लस पीसीबी का लाइसेंस सेंट्रल पोल्यूशन का दोनों लगता है। ये जैसे स्टेट का है ऐसा हर एक स्टेट में लाइसेंस निकलता है और ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो आपको बना के देता है। तो अगर आप भी मान लीजिए पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारा सर्टिफिकेशन का आ रहा था ई वेस्ट में, जैसे इसका जरूरत होता है, आप जो व्हीकल का जो काम कीजिएगा व्हीकल स्क्रैपिंग का उसमें ज़रूरत होता है, और ऐसे कोई फैक्ट्री वगैरह खोलिएगा इसमें ज़रूरत होता है, तो इसके लिए ही हमने ये लाइव आपको दिखाया कि किस तरीके का सर्टिफिकेट होता है, कहाँ से इशू होता है, क्या टर्म्स कंडीशन होता है, क्या चीज़ें इसमें दी रहती हैं, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। और जब आप एप्लीकेशन कीजिए तो एप्लीकेशन करने से पहले अपना पेपर वर्क करके ले जाइए, ताकि आपका काम में रिजेक्शन ना आ जाए और आपका काम जो है ठीक तरीके से हो और सही से आपको लाइसेंस मिल जाए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। दोस्तों एक एक करके हमारी कोशिश है इस तरीके से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है लाते रहेंगे, ताकि आप अपने काम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाइए। आज के लिए इतना ही।